आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LNTSC के बारे में, कैसे LNTSC ज्वाइन करें, क्या फ़ी है, टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है और टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, और नीट एनसीईआरटी वाला चैनल आपको कैसे हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको dlp.ln.ac.in पे जाना है। आप या तो घर पे भी कर सकते हैं या साइबर कैफ़े में भी जाके आप कर सकते हैं। साइबर कैफ़े में इसलिए आप जा सकते हैं क्योंकि फ़ोटो अपलोड करना रहता है और सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। अगर आपके पास स्कैनर अवेलेबल है घर पे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको साइबर कैफ़े जा करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको dlp.ln.ac.in पे जाना है। उसके बाद वहाँ यहाँ पर आएगा आपका अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुल जाएगा, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट और न्यू एप्लीकेंट। एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट यानी जो पिछले साल ज्वाइन किए थे, इस साल दोबारा जब ज्वाइन करना उनको तो उसके लिए ये कर सकते हैं, और न्यू एप्लीकेंट के लिए ये है। तो अगर आप न्यू एप्लीकेंट पे हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपका सारा ये डालना है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करना है, एजुकेशन बोर्ड नेम, फुल नेम, ब्लड ग्रुप ये सब डालना है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका सिग्नेचर अपलोड और पेरेंट सिग्नेचर, सेल्फ सिग्नेचर, फ़ोटो ये सब अपलोड करने के लिए बोलता है। उसके बाद फिर आपका पेमेंट आएगा, पेमेंट ये सब देख सकते, पेमेंट कितना, फ़ी कितना है और क्या शेड्यूल है टेस्ट का, ये सारा हम देख लेते हैं। तो ये सारा 12 पास के लिए लीडर टेस्ट सीरीज जो है नीट और एम्स के लिए वो है 9500, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और एम्स और नीट के लिए तीनों लेना चाहते हैं तो आपका फ़ी लग जाएगा 10900। और जो स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं दोनों साथ में तो 15700 है। और जो लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइंट पैकेज और टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन जो टेस्ट है वो भी लेना चाहते हो 17100 फी है, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान देने की भी है, बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज तो ले लेते हैं लेकिन बाद में सोचते हैं कि अब पैकेज भी ले लेते हैं। तो पैकेज लेने पर तो आपको उनका तो 9500 लग जाता है, ऊपर से और फी, जैसे ज्वाइंट करने पर आपका 10900 लग रहा है तो ऐसे करने पर और फी बढ़ जाता है, 12 या 15 हज़ार हो जाता है। तो ऐसा आप गलती मत कीजिएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज केवल लेना है तो आपको 9500 पेमेंट करना होगा, और टेस्ट सीरीज के साथ अगर चाहते हैं आप कि ज्वाइंट पैकेज भी ले लें तो 15700 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अभी आप केवल टेस्ट सीरीज लेकर 9500 पेमेंट करते हैं और बाद में सोचते हैं कि स्टडी मटेरियल भी लें तो आपको 15700 से ज़्यादा पड़ जाता है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ़ी के बारे में। अब हम आते हैं सिलेबस और कब इसका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो पहला टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से, ठीक है। और टोटल जो टेस्ट हैं वो 14 इधर और 2 इधर, 16, और बाकी जो सारे जो टेस्ट होंगे मेजर वो दिसंबर मंथ में डिक्लेयर कर किए जाएंगे, यानी कि लगभग 25-30 टेस्ट हो जाते हैं टोटल। फर्स्ट टेस्ट जो है वो 8 जुलाई को है और उसका अगला जो टेस्ट है 22 जुलाई को है। और एक बात और इसमें ध्यान देना है कि जब भी आपको कहीं भी टेस्ट, अगर आपका एक भी टेस्ट छूट भी गया हो फिर भी आपको फी उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप फर्स्ट में ही आप ज्वाइन कर ले तो अच्छा रहेगा। और जो टेस्ट होता है वो एक संडे बीच करके होता है, जैसे 8 जुलाई को है तो एक संडे के बीच 22 जुलाई को आ रहा है, फिर 5 अगस्त को होगा, यानी कि हर एक सप्ताह बीच करके होता है टेस्ट और महीने में 2 बार होता है हर 15 दिन के बाद। तो ये हो गया। इसमें इसमें आप एम्स का भी और नीट का भी देख सकते हैं टेस्ट सीरीज। और हम सिलेबस की बात करते हैं तो फर्स्ट टेस्ट में जो सिलेबस है वो देखते हैं। फर्स्ट टेस्ट में जो सिलेबस है वो फिजिक्स का है, बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स, जैसे अलजेबरा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फर्स्ट टेस्ट में। और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है फर्स्ट टेस्ट का वो हम आपको बता देते हैं। केमिस्ट्री में है सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बस 2 ही हैं। और बायो में आपका है सिलेबस टेस्ट का
रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटोमी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बस इतना ही है। ये हो गया सारे सिलेबस। तो अगर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, और कैसे प्रिपेयर करना है उसका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और जो टेस्ट आपका होगा वो 9 AM से 12 नून होता है। ऐसे तो जो हमारा नीट का टेस्ट जो होता है, एग्ज़ाम होता है, वो 10 से 1 होता है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी बनाने के लिए 9 से 12 रखा गया है। और एक इसका एक माइनस पॉइंट है कि जो एम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो नीट के 1 घंटे बाद ही हो जाता है, यानी 1 बजे से 4:30, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो बच्चे एम्स देना चाहते हैं इतना प्रॉब्लम तो फेस कर नहीं सकते हैं। तो ये हो गया सारा एरन के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब बताते हैं कि कैसे हमारा चैनल आपको हेल्प कर सकता है। तो जब भी मतलब टेस्ट होगा तो उसका हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें जो भी ज्वाइन करेंगे वो अपना क्वेश्चन पेपर डालेंगे, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी है तो अगर आप 12 पास हैं तो